पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपीसर्वविवेकान्त श्री राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुज देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी तत्त्वई प्रिया अयि केशव सज कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गौर सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्रिका प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में आनंद कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्रिका प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों की तथा को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे जीव का नित्य धर्म शुद्ध और सनातन है, हम इसी विषय पर श्रवण कर रहे थे। कहते जो जो नित्य धर्म शुद्ध और सनातन कभी ये वास्तव रूप में कहाँ ये धर्म दिखाई पड़ती है, कहाँ पर दिखाई पड़ती है, कहाँ कौन सा धर्म इसलिए कहते केवल एकमात्र इसी जगत में जो वैष्णव धर्म है जो चार जो वैष्णव संप्रदाय हैं कभी ये वैष्णव धर्म में ही कभी ये पूर्ण रूप में जीव का नित्य धर्म ये पूर्ण रूप में दिखाई वहीं पर पड़ती है। यद्यपि अलग अलग जगह पर दिखाई पड़ती हैं लेकिन वो पूर्ण रूप में नहीं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जगत में जितने तरह का धर्म है कहते हैं कि धर्म को तीन भाग में विभक्त किया जा सकता है। बताओ तीन भाग में क्या है, हाँ क्या इसका मतलब क्या है? नित्य में आत्मा और भगवान को माना जाता है, उसको भगवान को पाने का तरीका वही है। और अनित्य में है कि भगवान और आत्मा को माना जाता है पर उसका जो तरीका है जो भगवान को पाने का वो अनित्य है। और नित्य अनित्य का नहीं अनित्य ये है कि भगवान और आत्मा को नहीं माना जाता, जैसे मायावाद भगवान को माया उसको आत्मा को नहीं मानते। जो अनित्य इसलिए कहते नित्य धर्म में कहते तीन भाग में विभक्त किया। पहला है कहते जो नित्य धर्म नैमित्तिक धर्म और अनित्य धर्म, जिन धर्म में ईश्वर की आलोचना नहीं है आत्मा का नित्यत्व नहीं उसको अनित्य धर्म कहते हैं। जहाँ पर आत्मा की नित्यत्व नहीं मानी जाती है जहाँ पर ईश्वर का नित्यत्व को नहीं मानते उसको अनित्य धर्म है, उसको अनित्य धर्म कहते हैं। हाँ इसलिए नहीं इसमें मायावादी नहीं इसको धर्म
और जिन धर्म में ईश्वर और आत्मा को नित्यत्व स्वीकार की जाती है, लेकिन उसको अनित्य उपाय के द्वारा ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, इसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म है। और जिसमें आत्मा और ईश्वर की सत्ता को मानी जाती है, कहते हैं उसको कहते हैं नित्य धर्म है। इसलिए यहाँ पर कहते जितने विमल प्रेम पुत्र कृष्णदास प्राप्त करने का यत्न किया जाता है नित्य धर्म है। इसलिए जिस विमल प्रेम को द्वारा ही जिसमें कृष्ण दासत्व को प्राप्त करने के लिए जिसको की जाती है उसको ही नित्य धर्म बताया। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो शुद्ध वैष्णव धर्म ये कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, कि ये केवल भारत में जो वैष्णव धर्म जो प्रचलित है उसी में ही ये नित्य धर्म दिखाई पड़ता है। फिर कहते ये चीज़ को और कहाँ पर किसने पूर्ण रूप में कहाँ पर दिखाई पड़ा है, कहते श्री सचिनंदन गौर हरि जगत में जो धर्मों को श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में शिक्षा दिया है, कहते उसी में ही वैष्णव धर्म की जो पूर्ण रूप में वैष्णव धर्म की जो विमल अवस्था जो हाँ जो निर्मल अवस्था है, कहते उनका संप्रदाय में आए आए वाले जितने महापुरुष है, कहते वे लोग उसको आश्रय लेकर के भक्ति और भजन साधन करते हैं। अभी सन्यासी ठाकुर ने अभी हाथ जोड़ करके फिर एक प्रश्न करते हैं, कहते क्या प्रश्न है, तो हे प्रभु मैं श्री सचिनंदन के द्वारा जो प्रकाशित तो जो वैष्णव धर्म का सर्व उत्कर्षता सर्वदा देखता हूँ, कहते श्री चैतन्य महाप्रभु हैं के द्वारा जो प्रकाशित तो जगत में जो विमल धर्म, कहते उसी में ही उसका जो उत्कर्षता मतलब उसका जो श्रेष्ठत्व तो, उसका महत्व में सही सही देखता हूँ, उसमें शुद्ध रूप में महाप्रभु का धर्म उसी में आए। फिर हमारे जो प्रभुपाद आए श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब आए फिर जगत में ये एकदम विशुद्ध धर्म को इन्होंने स्वयं अपना जीवन में आचरण करते हुए और जगत को उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने जगत को सिखाया। इसलिए जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे उसी समय में मतलब प्रभुपाद का प्रचार इतने शुद्ध इतना निर्भर इतने पवित्र था और उन्होंने घर घर में ब्रह्मचारियों को भेज करके शुद्ध वैष्णव धर्मों को प्रचार कर रहे थे। उस समय कुछ लोगों ने बोले प्रभुपाद अगर दो तीन चीज़ का आप थोड़ा छूट दे दो, फिर जगत का जितने सारे संप्रदाय सबके सब आपका संप्रदाय में आ जाएंगे, फिर जगत में एक ही संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय रह जाएगा और जितने सब उल्टा पुल्टा आउल बाउल नेड़ा नेड़ी उल्टा पुल्टा जितने सब आप उसी में आ जाएंगे। बोले दो चीज़ क्या छूट दे दे, बोले एक बीड़ी बीड़ी लोग उधर बहुत बीड़ी पीते हैं और एक चाय, आपको पता होगा चाय की नशा कितना जोर जबरदस्त है, इसलिए भक्ति छूट जाए लेकिन चाय नहीं छूटती। इसलिए बोले ये दो चीज़ को आप छूट दे दो, हैं एक बीड़ी को एक चाय को। लेकिन प्रभुपाद ने बोले भाई भैया मेरे को तो एक ही चंद्रमा चाहिए, हजार हमें तारों नहीं चाहिए, हमें एक ही चंद्रमा चाहिए। अब देखना आकाश में एक चंद्रमा उदय होता है वो पूरा का पूरा दुनिया को आलोकित करता है और कितने सारे तारे हैं कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर शिक्षा देते हैं महाप्रभु का जो प्रभुपाद ने जो शुद्ध वैष्णव धर्म की जैसे किसी किसी कहीं कहीं चाय यद्यपि तो मानते हैं हम गौड़ीय संप्रदाय के लोग है लेकिन कोई कोई खही नहीं खाते हैं, खही नहीं समझता गुटखा हैं, कोई कोई गुटखा खाते हैं लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में जैसे कुछ बाबा जी लोग गुटखा खाएंगे, कोई पान भी खाते हैं गुड़ा केक होता है उसका भी व्यवहार करते हैं और चाय तो चाय के बगैर रह नहीं सकते, चाय भी पीते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने बोली चाय भी ठीक नहीं, क्यों उसमें कैफीन और उसमें निकोटीन डाला हुआ है, ये एक नशा। और जो चार तरह का जो अधर्म बताया दूतम पानम स्त्रियम स्वना यथा अधर्म चतुर्विधा, इसको अधर्म बताया
जो नस्ली वस्तुओं को ग्रहण करना, ये चाय में भी नस्ली चीज है, इसमें कैफीन और निकोटीन इसमें भी डला हुआ है। इसलिए जो चाय पीते हैं, चाय पीने का समय आ जाए, अगर वो चाय नहीं पियो ना, देखो क्या होगा, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, सर दुखना दर्द हो जाता है, क्यों, उसमें नस्ली वस्तु डाला हुआ है। इसलिए कहते श्री प्रभुपाद ने जब आकर के उन्होंने शुद्ध महाप्रभु का विमल धर्म को प्रचार किया, एकदम स्ट्रीक रूप में उन्होंने ये शुद्ध धर्म को जगत में प्रचार और प्रसार जगत में किया है। इसलिए जब प्रभुपाद ने प्रचार किया उस समय सब लोग कहा करते थे, हैं उस समय भी उन्होंने जैसे सबको उन्होंने जनेऊ प्रदान किया, तिलक कंठी माला, दूसरे दूसरे जो जाति के लोगों को, इसको भी लेकर बड़ी लड़ाई, इसको भी लेकर बड़ी लड़ाई हुई। इसलिए और महा जो प्रभुपाद ने फिर जो जात गोसाएँ, जात गोसाएँ समझती हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम को तोड़ करके खा रहे हैं, कहते हैं हम तो नित्यानंद परिवार के, हम तो अद्वैत परिवार के, हमारी उनका पूर्वजों का खून हमारे शरीर में प्रवाहित तो हो रहे हैं, नित्यानंद प्रभु परिवार में आए, लेकिन मांस मछली खाते हैं, उल्टा पुल्टा चीज खाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, कैसे गुरुजी आने पर, उधर प्रथा है, आज घर में गुरुजी आए, बोले गुरुजी को कुछ भेंट करनी चाहिए, बोले क्या, बोले सबसे जो बढ़िया मछली है ना गुरुजी को, इलिश मांस, उधर का जो मछली सबसे इलिश मांस है, बोले गुरुजी को आज इलिश मांस मछली आज गुरुजी को भेंट दें। गुरुजी घर में आए ना, ये इतने अपसंप्रदाय हैं, इतने उल्टा पुल्टा, गुरुजी को मछली भेंट दें, मछली खाएंगे, बोले तो बोले ये गंगा फल है, उधर कहते गंगा फल, गंगा में होता है ना, गंगा पानी में, गंगा पानी उधर, बोले गंगा की तो फल है, प्रसाद की गंगा की हैं, इसलिए उसको पानी पी करके बड़ा होता है मछली, इसलिए गंगा फल है, मतलब ऐसे उल्टा पुल्टा प्रचार था। इसलिए प्रभुपाद ने उन्होंने एग्जीबिशन में देखा है कैसे गुरु जी आए, चेला उनको मछली भेंट दे रहे, मतलब प्रभुपाद दिखा रहे हैं, देखो ये जगत में कितने अपसंप्रदाय, कितने उल्टा पुल्टा जगत में प्रचार हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने आकर के महाप्रभु का जो विशुद्ध धारा को उन्होंने ऐसे प्रवाहित किया है, सारा दुनिया को, अंग्रेजी लोग होकर के भी जो ड्रग्स लेते थे, हैं जब ड्रग्स लेते थे उनको भी ये सब छुड़ा करके, हैं इसको भी छुड़ा करके, उनको भी मुड़ मुड़ा करके चोटी रखा करके, तिलक गले में कंठी धारण करते हुए वृंदावन जाओगे, हम जब अभी कुछ दिन पहले थे ना वृंदावन में, पूरा पूरा रोज देखते थे अंग्रेजी लोग ग्रुप के ग्रुप सब के सब पूरा 10 किलोमीटर वृंदावन की परिक्रमा, सवेरे सवेरे 10 किलोमीटर कीर्तन करते करते पूरा पूरा नाचते नाचते पूरा वृंदावन की परिक्रमा कर रहे, जो चीज़ हमारे हिंदू लोग के लिए हैं, जो जो कर नहीं पा रहे ये लोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि देखो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो विमल वैष्णव धर्म का जो उत्कर्षता हमको दिखाई पड़ता है, हैं देखता है, कहते शंकराचार्य के द्वारा प्रकाशित तो अद्वैत मत के हेयत्व का अनुभव अवश्य करता हूँ, किंतु मेरे मन में एक बात आती है कि जिसे आपके श्री चरण में निवेदन किए बगैर नहीं रह सकता। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, कहते श्री शंकराचार्य, ये शंकराचार्य कौन, बोले स्वयं शिव, शंकर स्वयं, शंकर शंकर साक्षात शंकराचार्य ये स्वयं, कहते उनको द्वारा जो प्रकाशित उनका भी एक मत है, क्या मत, अद्वैत, अद्वैत मतलब होता है हम मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, हम दो नहीं हम एक हैं, उनका जो धर्म है हम ही ब्रह्म हैं, पहले तुम ही तो ब्रह्म था, तुम ब्रह्म, सब ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है, चारों तरफ भी सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, हैं इसलिए कहते हम, इसलिए उर्दू का तत्वमसी मतलब तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, उनका चार महावाक्य है ना, हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, निश्चित रूप में सबके सब ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय जगत में कुछ है नहीं, हैं इसलिए इनका जो ये जो फिलोसफी है अद्वैत, हैं
धर्म का, इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो अद्वैत मत के हेव तक को कहते उनके जो प्रचार जगत में किया, हम सब जीवी ब्रह्म हैं, पहले हम ही भगवान थे, ब्रह्म थे, लेकिन ये माया ने हमें क्या क्या पकड़ लिया, पकड़ने का नाते अभी हम जीव होकर के जगत में आ गए और अपने आप क्या समझने लगे हम जीव हैं, हम जीव हैं। लेकिन जब साधन करते करते तुम शुद्ध हो जाओगे फिर क्या होगा, तुम जा कर के फिर उसी ब्रह्म में ही फिर लीन हो जाओगे, फिर लीन हो जाओगे तो क्या होगा, तुम ही ब्रह्म बन गए, फिर तुम ब्रह्म बन गए हो, हैं। इसलिए इनका ये फिलोसफी, इसलिए ये भगवान को भी जो ठाकुर को जो लीला इनको भी अनित्य मानते हैं, कहते ये जो कृष्ण राम है ना, ये भी पहले ब्रह्म ही थे और इनको माया पकड़ लिया, पकड़ लिया तो अभी कृष्ण और राम बन गए हैं और जगत में लीला कर रहे। इसलिए जो भगवान की जितने लीला है ना, जैसे कृष्ण लीला, राम लीला, जितने ये लीलाओं को समझते ये भी अनित्य है, क्योंकि अभी है तो ये ब्रह्मा हैं, लेकिन इनको पकड़ लिया माया, अभी कृष्ण राम बन के लीला कर रहे हैं। जब ये भी मर जाएंगे ना, जब मुक्त हो जाएंगे, ये भी ब्रह्म में मिल जाएंगे, ये दोनों एकाकार हो जाएंगे, राम और कृष्ण। इसलिए उनका लीला भी ये अनित्य है, कुछ समय के लिए उन्होंने किया लेकिन ये सही नहीं है, ये लीला को वो अनित्य मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं हम अद्वैत मत की जो हेय तो को अवश्य हैं अनुभव करता हूँ, ये अत्यंत हेय मतलब खराब है, ठीक ठीक नहीं, किंतु मेरे मन में एक बात भी आती है, बोले क्या है, कहते ये बात आपका चरण में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। देखो ये सब फिलोसफी है, कोशिश करना ये क्या क्या सब फिलोसफी है। इसलिए क्या है, कहते मैं उससे आपसे छिपाना भी नहीं चाहता हूँ, बात यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य ने जो घनीभूत प्रेम की महाभाव अवस्था दिखाई है वो क्या अद्वैत सिद्धि से पृथक अवस्था है। देखो ये प्रश्न को समझ लो, समझ गए ना प्रश्न, समझ गए। इसलिए यहाँ पर कहते श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम की जो घनीभूत अवस्था, जिसे दूध होता है ना, दूध को जैसे गर्म करते 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 क्या राबड़ी बन जाती है, राबड़ी राबड़ी खाएगी नहीं, कितना टेस्ट राबड़ी है। इसलिए कहते हैं जो प्रेम की जो घनीभूत अवस्था है, प्रेम की जो महाभाव अवस्था दिखाया, महाभाव मतलब होता है पहले इस स्टार्टिंग कहाँ से होता है, बोले ये श्रद्धा से, जैसे आप लोगों के अंदर में श्रद्धा है तभी तो मंगला आरती में आए, तभी तो कथा में आते हैं। इस समय में साधारण लोग तो सोते हुए होते हैं, हैं, और सवेर देखना सबसे बढ़िया नींद सवेर ही आती है, रात भर गर्मी होगा सवेर बढ़िया नींद सवेर आती है, लेकिन उसी समय में उसको छोड़ करके स्नान करके तिलक लगा करके यही तपस्या है। तपस्या मतलब क्या, शरीर को तपाना है, हमारी शरीर साथ नहीं दे रहे लेकिन मन नहीं, ठाकुर जी का मंगला आरती, चलो ठाकुर जी की मंगला आरती दर्शन करने से मंगल होता है, हैं, उसको कभी जिंदगी में कभी उसका अमंगल नहीं होगा जो ठाकुर जी की मंगला आरती दर्शन करते हैं। हम भजन गाते हैं ना, शुभ दृष्टि कर प्रभु जगत र प्रति जागरूक हृदय भरे सुमंगल आरती, ठाकुर जी हम सबको ऊपर में आप कृपा दृष्टि करो, हमारे हृदय में सुमंगल हैं, सुमंगल हमारे हृदय में सुमंगल उदय हो, जागरूक हृदय मरे सुमंगल आरती, ठाकुर का प्रति हमारी प्रेम। इसलिए जब पर्दा खोलते हैं ठाकुर के सामने जो खड़े हुए होते हैं, ठाकुर का सीधा नज़र किसके ऊपर पड़ता है, जो सामने खड़े हुए होते हैं, जब उनके ऊपर ठाकुर का नज़र पड़ गया ना, सवेरे ठाकुर खोलते ही हम लोग कहते हैं ना, सवेरे उठ कर कोई बढ़िया व्यक्ति का मुँह देखो देखना दिन भर बढ़िया जाता है, अगर कोई उल्टा पुलटा के लोग को मुँह देख लिया ना, दिन भर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, दिन भर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, हैं, मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कोई अगर कोई जीवन में कोई अगर दुख कष्ट आ जाता है, हम क्या कहते हैं, सबर हम किसका मुँह देखे, उठकर किसका मुँह देखे थे, बोलते कि नहीं, किसका हमने मुँह देखे, दिन भर हमारी हैं उल्टा पुलटा दिन भर जा रही है। इसलिए लेकिन अगर सवेरे आप उठोगे, ठाकुर का सीधा नज़र अगर तुम्हारी पर पड़ेगा, क्या होगा, बस हमारे सारे अमंगल तुम्हारे दूर हो जाएगी, हैं, सारे अमंगल दूर हो जाएगी। इसलिए कभी जो भक्ति ये श्रद्धा से ही सृष्टि होता है,
यही श्रद्धा, उसके बाद में बड़े साधु संगत में हरि कथा सुन रहे हैं, उसके बाद में जब हरि कथा सुनेंगे पता चलेगा हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमारे क्या कर्तव्य है, फिर हम क्या करेंगे, फिर भगवान की समझ जाएंगे, हम भगवान के नित्य दास, ठाकुर का सेवा भक्ति करना हमारे धर्म है, फिर साधन करेंगे, साधन जब सही सही करेंगे, हृदय में जितने अनर्थ है, अविद्या है हृदय में, असत तृष्णा हमारे हृदय में, जितने तत्व भ्रम जितने हृदय में, वो सब के सब धीरे 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 ये खत्म होगा, फिर रुचि आएगी, फिर निष्ठा आएगा, फिर आसक्ति भाव और कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होगा, फिर प्रेम में जो कृष्ण दर्शन होगा, जो कृष्ण दर्शन होगा उसको बाद में भी और उसको आगे प्रेम है, क्या प्रेम है, जैसे दूध को गर्मी करते हैं, गर्मी करते करते घन घन को राबड़ी बन जाता है, फिर उसी तरह कृष्ण दर्शन का बाद में भी उस समय में क्या होता है, उसको बाद में कृष्ण प्रेम हो गया, फिर भाव माँ भाव है, फिर स्नेह मान, फिर प्रणय, फिर राग अनुराग भाव और महाभाव, कहते ये जैसे राबड़ी बन जाती हैं, ये प्रेम फिर घनीभूत अवस्था को लेकर महाभाव अवस्था को प्राप्त करता है, जब महाभाव अवस्था को प्राप्त करता है जीव संपूर्ण रूप में भगवत चिंतन में संपूर्ण उसमें डूब जाते हैं, और डूब करके तो इतने एकात्मा हो जाते हैं, जैसे राधा कृष्ण दोनों इतने एकात्मा हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं दोनों मिल करके, इसलिए कहते ऐसे, इसलिए ब्रज गोपियाँ जब कृष्ण रास छोड़कर चले गए, रास छोड़कर जब चले गए, गोपियों ने कृष्ण चिंता में इतने डूब गई, इतने कृष्ण चिंतन में डूब गई, एक गोपी तो अपना हाथ में उत्तर लेकर बोले मैं कृष्ण हूँ गिरिराज उठाया हूँ, एक गोपी तो बन गई पुतना, और एक गोपी उसको छाती पर चढ़ करके बोले मैं कृष्ण बन करके तुम्हारे स्थान पान करती हूँ, किसी ने अघासुर को मारने का लीला, किसी ने बकासुर मारने का लीला है, एकदम कृष्ण चिंतन करते 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 इतने डूब गई, सबके सब कृष्ण लीला की अनुकरणता करने लगे, कहते ये महाभाव प्रेम की इतने कृष्ण चिंता में डूब जाती हैं, वो संपूर्ण रूप में कृष्ण लीला के अनुकरण करती हैं, इसलिए यहाँ पर कहती हैं, यहाँ पर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने जो घनीभूत प्रेम की महाअवस्था दिखाई है, प्रेम बढ़ते बढ़ते जैसे भाव और महाभाव अवस्था को प्राप्त करता है, कहते ये सब चीज उज्ज्वल निर्मणि के ग्रंथ है, जो ग्रंथ में राग किसको कहते हैं, अनुराग किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, महाभाव किसको कहते हैं, उसका सब डेफिनेशन दिया है, हैं इसका सब डेफिनेशन दिया, इसको महाभाव, इसको भाव, इसको अनुराग, इसको उन्होंने अच्छी 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 तरह से बताया, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो महाभाव की जो घनीभूत अवस्था उन्होंने दिखाया है, कहते वह क्या अद्वैत सिद्धि से पृथक अवस्था, अद्वैत सिद्धि मतलब होता है जो ज्ञानी लोग जो शंकराचार्य को फिलोसफी को मानते हैं वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग उदाहरण देते हैं क्या होता है, एक देखना कि भौंरा होता है, वो क्या करता है, वो जो कीचड़ में रहते हुए एक कीड़ा होता है उस गोबर में रहता है मिट्टी में, उसको पकड़ कर ले आएगा, ला करके ना उसने घोंसला बना करके उसको अंदर में डाल देगा, और डाल करके उसको मुंह में भन भन करता रहेगा, ऐसे भन, और वो जो कीड़ा है ना इसको देख करके, इसको देख 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 कर उसको चिंता करते 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 एक दिन वो जो कीड़ा है ना वो बन जाती भूरा बन जाती हैं, और उसको डराते डराते उसको चिंता करते 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 करते, फिर उसी तरह जैसे एक भक्त जैसे कृष्ण चिंतन करते 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 क्या होता है, कृष्ण चिंता करते करते कृष्ण चिंतन में इतने डूब जाता है, इतने डूब जाता है कृष्ण चिंतन में, सारा दुनिया को भूल करके हैं सब सारा दुनिया को भूल करके कृष्ण प्रेम में एकदम तल्लीन हो जाता है, कहते लेकिन जो शंकराचार्य के जो फिलोसफर है वो लोग भी यही अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं तुम वही हो, सब कुछ ब्रह्म ही है, हैं सब कुछ ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि मैं वही ब्रह्म 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 करते करते ये इनकी अद्वैत सिद्धि,
मतलब अद्वैता, मतलब एक दिन क्या हो अपनी आप का सत्ता को वो जो ब्रह्म ज्योति में एक दिन तुम लीन कर डूब जाओ, बस वो ब्रह्म ज्योति में डूब गया ना बात। इसलिए इसको कहते हैं साजुज्य मुक्ति। उज्ज्य मतलब होता है मिलना, जब वो ब्रह्म में मिल करके एक हो जाते उसको कहते हैं उनका ये अद्वैत सिद्धि, उसको कहते हैं जब ब्रह्म में पूरा डूब जाओ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं वह क्या अद्वैत सिद्धि से महाप्रभु भी यही महाभाव का दिखाया। एक दिन कृष्ण चिंता में डूबते डूबते कृष्ण लीला में एकदम जीव कैसे प्रवेश कर जाता है उसमें, इसमें क्या वो एक ही बात क्या है इनका प्रश्न है। श्री शंकराचार्य जी का नाम सुन करके देखो यहाँ पर हमारी ये बौद्ध धर्म पहले था कैसे ये ब्रह्मवाद आया, ये सब चीज अच्छे तरह समझो कल बोलना हमको, ठीक है। कहते शंकराचार्य जी ने जो प्रचार किया इनका, शंकराचार्य जी का नाम सुन करके परमहंस बाबा जी उन्हें दंडवत प्रणाम किया, इनका नाम सुनते उनको प्रणाम किया है। कहते फिर क्या बोले महाशय शंकर शंकर साक्षात, ये जो शंकराचार्य और कोई नहीं ये शिव ठाकुर है, भगवान के सबसे प्रेमी की भक्त हैं, भगवान की रसी की भक्त शंकर जी, जितने ग्रंथ रामायण को प्रकट करने वाले और पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, जब पंचमुख में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। कति जो शंकर है सख्यात शंकर है, हर हर समय आप इसको स्मरण रखना कि स्वयं शिव ठाकुर हैं, हैं। कहते शंकर जी कौन हैं, कहते ये वैष्णव का गुरु शंकर जी, इसलिए विष्णु स्वामी संप्रदाय कहाँ से उसको रुद्र संप्रदाय बताया, यहाँ से ये विशुद्ध जो सनातन धर्म इसमें श्री विठल नाथ और श्री 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 विठल नाथ आए, इसमें श्री हरकुन आए, अरे बोलो बल्लभाचार्य आदि बड़े बड़े साधु लोग सूरदास ये सबके सब उसी संप्रदाय में आए, बड़े बड़े साधु लोग हुए हैं, इसलिए इन्होंने ये वैष्णव धर्म को यहाँ से उन्होंने वहाँ से प्रकटित हुआ है। इसलिए कौन है, कहते शंकर जी ये आदि गुरु है, हैं वैष्णव का गुरु, इसी कारण महाप्रभु ने आचार्य कह करके उनको उल्लेख किया। इसलिए महाप्रभु उनको क्या बताइए आचार्य हैं, आचार्य किसको कहते हैं, हाँ कहते आचिन्वति जा बोलो शास्त्र थे आचार्य थे स्वयं आचार्य जस्मात आचार्य देखना, देखो श्लोक कैसे काम में आ रहे हैं, जो आचार्य शब्द आएगा मतलब जो अपना जीवन में स्वयं आचरण करते हुए दूसरों को जो शिक्षा देते हैं कहते ये आचार्य। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनको आचार्य बोल करके उनको पुकारा है। शंकर स्वयं पूर्ण वैष्णव थे, ये स्वयं पूर्ण वैष्णव है, जिस समय हुए भारत में उदित हुए थे उस समय उनके समान एक गुणावतार होने का बहुत बड़ी आवश्यकता हुई। जिस समय श्री शंकराचार्य जगत में आए उस समय में इसी समय में बहुत जरूरत था, इसलिए उनको कहते गुणावतार। भगवान के 6 अवतार है, गुणावतार मन्नतर अवतार पुरुषावतार लीला अवतार ये सब अवतार है, उसमें एक गुणावतार। गुणावतार मतलब क्या है, भगवान कभी कभी कोई विशेष काम को करवाने के लिए अपना कुछ गुण किसी भक्तों के अंदर में दे देते हैं, दे करके वो काम को करवा लेते, इसलिए उनको कहते गुणावतार। ये शंकर जी गुणावतार बताया, कहते उसी समय में इनकी बहुत जरूरत था उस समय में गुणावतार की, कहते उनको बहुत बड़ी आवश्यकता। भारत में क्या हो गया था, भारत में कहते वेद शास्त्र की आलोचना और वर्णाश्रम धर्म का क्रियाकलाप बौद्ध के शून्यवाद के चक्कर में पड़ करके शून्य प्राय हो गए थे। देखो भारत में उस समय भारत का अवस्था क्या हो गई थी, एक दिन ऐसे आया भारत में कहते जो वेद शास्त्र की जो आलोचना जैसे हम गीता रामायण भागवत हम सब पढ़ते हैं सुनते हैं, इसका जो आलोचना और जो वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, भगवान खुद कहते हैं ये जगत को सुंदर रूप में
में संचालन करने के लिए मैंने क्या किया, ये वर्ण और आश्रम धर्म को मैं स्वयं जगत में स्थापन किया है, हैं? मैं स्वयं जगत में वर्ण आश्रम धर्म को मैं जगत में मैं ही स्थापन किया हूँ जगत में, हैं? लेकिन इसका जो क्रियाकलाप है सब खत्म हो गया था। बोले क्यों खत्म हो गया था? बोले कारण है कहते एक बौद्धवाद हुआ है, एक बौद्धवाद है, हैं? कहते बौद्धवाद वो लोग क्या कहते हैं, कहते कहते ये शून्यवाद के चक्कर में पड़ करके वो कहते हैं ऋणी करके भी घी खा लो, क्योंकि मरने का बाद कोई तो ऋणी चुका नहीं आएगा, क्योंकि जब शरीर तुमको जला देगा क्या जल राख हो गया, जब तू जल करके राख हो गया फिर ऋणी कौन भरने के लिए आएगा, इसलिए ऋणम कृतम घृतम पीबे जापद जीवित सुखम जीवित, जब तक रहो तब सुख में रहो, ऋणी करके भी पैसा ले लो घी खा लो शरीर को तंदुरुस्त बना लो, क्योंकि मरने के बाद कौन देखने के लिए जाएगा। इसलिए उनका जो फिलोसफी है हम सबके सब सुनने से आए और आत्मा फात्मा भगवान बोलोगे कुछ चीज नहीं, नहीं ये सब बेकार चीज है, हैं? इसलिए जब तुम मर जाओगे ना बस सुनने से आए सुनने से लीन हो जाओगे खत्म। जिसका फिलोसफी ऐसे होगा फिर उनको गीता भागवत रामायण पढ़ने का क्या जरूरत है, इसलिए कहते उनको ये गीता रामायण की क्या जरूरत, वर्ण आश्रम की क्या जरूरत, हम जगत में ये धर्म कर्म क्यों करते हैं, वर्ण आश्रम क्यों स्थापन करते हैं, भैया ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी भैया है, अपना धर्म के अनुरूप हमें सारतिथि को पालन करनी चाहिए, दूसरों को बड़े दया करनी चाहिए, हैं? और जीवन पा करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, गीता भागवत रामायण पढ़ो तो यही शिक्षा देते हैं, जीवन दुर्लभ है, ये जीवन को पाकर भजन करो, भजन के बाद में फिर 13 दिन अपवित्र रहते हैं। बोले क्यों? बोले ये आत्मा को ये बैतरणी नदी पार करने के लिए 13 दिन लगता है, उसको बाद में फिर क्या होता है, फिर उसको फिर नरक में जाता है, कर्म का अनुरूप फल वो करता है। इसलिए भैया पाप कर्म को मत किया करो, पाप कर्म करोगे तो फिर बैतरणी नदी पार करना पड़ेगा, फिर डंडा पड़ेगा तेरे ऊपर में ऐसे ऐसे, तभी तो जीव क्या करता है, तभी तो इससे डर करके नहीं, हमें किसको धोखेबाजी नहीं देनी चाहिए, किसको प्रति किसको साथ में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसको साथ में छल कपट नहीं करनी चाहिए, शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो, किसको किसको कभी दुख कभी कष्ट मत पहुँचाओ, कहते ना अगर किसकी भलाई नहीं कर सकते भाई तो इसकी बुराई भी मत किया करो, किस इसे सब कहाँ पर बताया, शास्त्र तो बताया ना, शास्त्र बताया, इसलिए हम क्या करते हैं शास्त्र को, हैं? इसलिए पढ़ करके हम कोशिश करते नहीं, हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अधर्म के मार्ग पर कभी हम नहीं चलेंगे, हैं? तभी धर्म। लेकिन वो सुनने बाद में तो भगवान भगवान कुछ नहीं, तो सुनने से आए जो कुछ कुकर्म अकर्म करते रहो, करते करते जब खा पी कर मर जाओ तो कौन ऋणी चुकाने के लिए आएगा। इसलिए कहते कुछ समय हमारे भारत में ये धर्म आ गया था, अभी ये सब चीज़ को देख करके हैं जिसमें शून्य हो गया था, इतने में कहते जो शून्यवाद है ये नित्यांत निरीश्वरवादी हैं, ये संपूर्ण रूप में ईश्वर विश्वर कुछ मारने वाले नहीं, उसमें जीवात्मा का तत्व तो कुछ कुछ स्वीकृत होने पर भी वो धर्म बिल्कुल ही अनित्य है। कहीं वहाँ पर कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी जीवात्मा को तो मानते हैं, जीवात्मा नाम का कोई चीज़ एक है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मानते हो, लास्ट में शून्य लीन हो जाओगे। कभी जो धर्म है कभी संपूर्ण अनित्य है इस चीज़ संपूर्ण अनित्य है। कभी उस समय ब्राह्मण गण प्राय बौद्ध होकर के वैदिक धर्म का परित्याग करते जा रहे थे, जब ये बौद्ध धर्म जगत में प्रचार हुआ, जगत को चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो तीन वर्ण किसकी सेवा करते हैं, ब्राह्मण का सेवा करते हैं, और जगत में हम लोग पहले ब्राह्मणों को ही आदर्श मानते थे, ये ब्राह्मण ही अपना जीवन में धर्म कर्म को पालन करते हुए दूसरों को सिखाया करते थे, धर्म करो गीता पढ़ो भागवत पढ़ो सही मार्ग पर चलो, लेकिन ब्राह्मण ही पहले पथ प्रदर्शन कर देते थे, हैं ब्राह्मण लोग, लेकिन ब्राह्मण स्वयं बौद्ध धर्म में चले गए, हैं धर्म में चले गए, धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म को
धीरे 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 ये लोग छोड़ रहे थे, परित्याग करते जा रहे थे। इतने में असाधारण शक्तिशाली शंकरावतार श्री शंकराचार्य जी ने उदित होकर के वेद शास्त्र के सम्मानित स्थापन की, शून्यवाद को ब्रह्मवाद में परिणत किया। समझ गए? एक दिन भगवान ने क्या क्या सोचा, कहते धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कहते धर्म को जगत में किसने स्थापन किया है? बोले भगवान, धर्म मूल ही भगवान, धर्म का मूल भगवान। जगत में धर्म को स्थापन किसने किया? कृष्ण कहते ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान मधर्म से तदात्मान सृजाम्यहम्। जगत में मैं ही जगत में धर्म को स्थापन करता हूँ, मैं हैं युग युग में अवतीर्ण होकर के। इसलिए धर्म को प्रवर्तन करने वाले भी भगवान, जब खत्म होता है भगवान भी फिर आकर के वही शुद्ध धर्म को पुनः स्थापन करते हैं। लेकिन जब जगत में ये बौद्ध भाव धीरे धीरे छाने लग गया, भगवान ने कहा ये बौद्ध धर्म तत्व तो नास्तिक धर्म है। फिर तो ये सनातन गीता भागवत रामायण ये ग्रंथ वेद जो सब छोड़ देंगे, जानवर जैसे जीवन हो जाएगा, धर्म कर्म कुछ रहेगा नहीं। इसलिए भगवान देखा फिर क्या करना पड़ेगा, भगवान ही तो युग युग में आकर के धर्म स्थापन करते हैं ना, कभी खुद आते हैं और कभी दूसरे भक्तों को भेजते हैं। जैसे उन्होंने प्रभुपाद को भेजा, स्वयं महाराज को भेजा, तभी तो जगत में धर्म प्रचार हुआ जगत में है। इसलिए उन्होंने शंकर को बोला, भैया इधर आ जाओ, बोले तुमको एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। बोले प्रभु बताओ। बोले जाओ, तुम जा करके दुनिया में जाओ और ये जो बौद्धवादियों को ना तुम ब्रह्मवाद रूप में स्थापन करो। इसका मतलब है ये लोग क्या कहते हैं, शून्य से आए और शून्य से ही तुम लीन हो जाएंगे, इनका ये फिलोसफी। लेकिन तुम जा करके ये बताओ ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद मतलब अरे तू ही तो भगवान हो, अरे तू ही तो भगवान, लेकिन तुमको माया पकड़ लिया, अभी जीव 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 कर रहे हो हैं। इसलिए पाशबद्ध भगवत मुक्त और पास मुक्त, इसमें कहते हैं पाशबद्ध भगवत जीव, जब माया की पास में बद्ध हो जाती हो, अभी तुम जीव जीव कर बिलबिला रहे हो, पास मुक्त सनातन सदा शिव, जब ये पास से माया की पास से मुक्त हो जाए फिर तू तो भगवान बन जाओगे, तू तो ब्रह्मा बन जाओगी। लेकिन अगर किसको बोलो तुम कौन हो, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कहते हम कौन हैं, हम भगवान के नित्य दास। पता कौन दास बनना चाहता, दुनिया में कोई भी दास बनना नहीं चाहता, सब जगत में प्रभु बनना चाहते हैं। पता कौन नौकर बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं जगत में सबके सब चाहते हैं, हम क्या है, हम बने तो भगवान बने, प्रभु बने हैं, हम नौकर क्यों बनेंगे। लेकिन भगवान की भक्ति जगत में जो नौकरी है ना, ये साधारण वस्तु नहीं। आगे है मुक्त, तापर है सर्प वंदनाश, तापर के होते बारी कृष्ण रे दासे दास, कृष्ण का दास कौन बन सकता है। वृंदावन दास ठाकुर कहते आगे है मुक्त, पहले ये माया की बंधन से तुम्हें मुक्ति होने लेना पड़ेगा। आ गए मुक्त, तापर है सर्व बंधनाश, उसको बाद में तुम्हारी सारे बंधन खत्म होगा, उसको बाद में कहीं जा करके कृष्ण के दास को बन सकते हो। कहते दास है ना मानियो, अल्प भाग्य मानी, और अल्प भाग्य दास ना ही करें भगवान, कहते अल्प भाग्य से कोई भगवान का दास नहीं बन सकता है, हैं? अल्प भाग्य से भगवान किसको अपना दास रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, बड़े भाग्य से हनुमान को जैसे स्वीकार करते, धन्यवाद है। शंकर जी भगवान का दास है, साक्षात माँ लक्ष्मी करती हैं क्या, ठाकुर जी के चरण को लेकर गोद में दिन रात बैठे हुए चरण की सेवा कर रही हैं, स्वयं बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न ये करते हैं क्या, उनको 10 शरीर से और 5 रसों से दिन भर कृष्ण सेवा करती हैं। राधा रानी, इनका नाम राधा, राधा मतलब क्या है, जो विशेष पूर्वक कृष्ण को जो आराधना करते, देखो राधा रानी 24 घंटा करती हैं क्या, कृष्ण के लिए सुंदर कुंज बनाती हैं, कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर रसोई बनाती हैं, कृष्ण के लिए सुंदर सज्जा सजाती हैं, दिन रात कृष्ण सेवा छोड़कर कुछ नहीं करती राधा रानी, ये कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए कहते भैया साधारण भाग्य से कोई भगवान का दास नहीं बन सकते, बहुत भाग्य से कोई भगवान की कोई दास बन सकते। इसलिए
इसलिए उन्होंने शंकर जी को क्यों बुलाए, बल अगर ये लोग बौद्धवादी हो गए, शून्यवादी हो गए, अगर जा करके इनको बोले भैया तू ही तो ब्रह्म हो, तुम ही तो ब्रह्म हो, अगर उनको बोल दो ना, अरे तुम ही तो भगवान, अभी पास में बद्ध हो गया, जीव जीव कर रहे हो, मुक्त हो जाओगे, तू तो ब्रह्मा, तू ब्रह्मा, तू ही ब्रह्मा बन जाओ, ये बात को स्वीकार कर लेंगे। अगर किसको बोल ले तुम दास हो, बोले हैं हम दास क्यों बनेंगे, हम तो भगवान बनेंगे, प्रभु बनेंगे, दास क्यों बनेंगे, हम प्रभु बनेंगे। इसलिए उन्होंने देखा जगत में ऐसे एक कौन ऐसे एक व्यक्ति हो जा करके जो शून्यवाद को ब्रह्मवाद रूप में स्थापना कर दे। इसका मतलब है जो बोलते हैं सब शून्य से आए, शून्य से मिल जाएगी, नहीं, उसमें तो संपूर्ण रूप में किसकी अस्तित्व नहीं, लेकिन ब्रह्मवाद में क्या है, एक जीव को भी स्वीकार करते हैं और एक है भगवान को भी स्वीकार करते हैं, जिसमें एक माया को भी स्वीकार करते हैं। माया ब्रह्म को पकड़ने का नाते जीव हो गया, अभी कम से कम नहीं से है आ गया, कोई एक जीव है, कोई एक माया है और ब्रह्म नाम का कोई एक चीज़ है जिसमें भगवान की अस्तित्व को, जिसमें थोड़ी बहुत पूर्ण रूप में हम नहीं होने पर भी थोड़ी बहुत भगवत अस्तित्व को मान रहे हैं, ब्रह्म नाम का कोई एक चीज़ है और जीव भी कोई एक चीज़ है, हैं। इसलिए श्री शंकराचार्य जानते हैं कि ये शंकर ही काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्यों, भोले बाबा है ना, साधारण थोड़ी शंकर जी हैं, सत्यम शिवम सुंदरम देवदेव महादेव जोगी जोगी महात्म भगवान की परम भक्त महाबलशाली शंकर जी हैं। इसलिए देखा शंकर जी को जो भगवान ने आदेश दिए, पहले शंकर जी दुखी हुए, पहले शंकर जी दुखी हुए, बोले प्रभु मेरे से ये गंदा काम क्यों कराना चाहते हो, तो बहुत गंदा काम है, जीव थोड़ी ब्रह्म है, जीव थोड़ी भगवान है, जीव तो ईश्वर का दास है, अरे मेरे को कह रहे हो जा करके प्रचार करो तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही भगवान हो, प्रभु मेरे से क्यों ये गंदा काम कराते हो। ठाकुर जी बोले शंकर अभी जो स्थिति है ना, ये स्थिति को तेरे बगैर कोई जगत में कोई जा करके संभाल नहीं सकते, इसलिए तेरे को मैं भेज रहा हूँ, हैं, तुम अपना माया को द्वारा क्या करो, ये जीव को भ्रमित करो, भ्रमित करके बोले तू ही ब्रह्म, जब ये साधारण स्थिति में आ जाएगा फिर मैं क्या करूँगा, फिर धीरे 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 रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क ये सब बड़े बड़े साधुओं को भेजूँगा, फिर ये लोग आकर के धीरे 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 फिर ये वैष्णव धर्म को तुमने जो स्थापन करके गया इसको ऊपर में आकर के फिर स्थापन करके, भैया जीव कभी ब्रह्म बन नहीं सकते हैं, जो भी कुछ कर लो जीव कभी शिव नहीं बन सकता, जीव तो जीव ही रहेगा, जीव कभी मिल नहीं सकता है, वो कहते ना ब्रह्म में मिल जाएगा, तो वो उदाहरण देते हैं जैसे एक गिलास पानी है, आधा गिलास पानी उसमें थोड़ी पानी लेकर के मिला दोगे तो क्या होगा, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, मिल जाएगा कि मिलेगा कि बोलो, हाँ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, हाँ यही चीज़ को समझाए, जैसे आधा गिलास पानी उसमें अगर फिर आधा गिलास पानी मिले वो मिलेगा नहीं, जैसे ना कहते ना इसको इसको शरीर में ये शरीर मिल गया मतलब दोनों मिलकर एक हो गए, अगर मिल जाता तो फिर पानी बढ़ गई क्यों, और पानी तो उतना रहती है ना, समझ रहे कि नहीं, पानी आधा गिलास था, आधा गिलास पानी मिलाया, अगर मिल जाते तो दोनों मिलकर आधा गिलास ही रहते, लेकिन पानी बढ़ गई कि नहीं, पानी बढ़ी कि नहीं, पानी बढ़ गई ना, ज़्यादा हो गई तो मिला कहाँ, मिल जाते तो दोनों एक हो जाता ना, फिर बढ़ी कि, इसलिए उन्होंने ऐसे ही ये चीज़ को जा करके आ करके आचार्य ने खनन किया है, कहते कभी भी ये जीव कभी भी ये ब्रह्म में ये कभी लीन नहीं हो सकते हैं, जीव हर समय जीव रहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ शंकराचार्य ने जैसे उन्होंने उदाहरण क्या दिया, जैसे जैसे नाक का गहना है, कान का गले की गहना है, उसको जब आग में जब पिघला दोगे फिर क्या होगा, एक हो जाएगा ना, एक हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिया है, जैसे घटाकाश, घटाकाश मतलब जैसे घड़ा के अंदर में आकाश है, अगर घट्टे को तोड़ दो फिर क्या होगा, पटाकाश है, घटाकाश और पटाकाश, पटाकाश मतलब घड़ा को तोड़ते ही हवा फिर साधारण हवा भी मिल जाएगी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे छोटे 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 उदाहरण दे दे करके उन्होंने जीव को दिमाग में ऐसे बना दिया, जैसे इसको कहते हैं माइक, माइक कहते हैं ये स्टैंड है, फिर मोबाइल है, अगर इसको पूरा अगर जहाँ पर गर्म होता है
पर अगर इतना टेम्परेचर गर्म कर दो तो फिर क्या होगा, लोहे में भी हो ही जाएगा ये लोहे। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे समझाए। इसलिए उसी तरह अभी हम अपने आप को जीव कहते हैं, लेकिन ये जीव जब ब्रह्म में मिल जाएगा फिर तुम ब्रह्म हो जाओ। वाह, उसने ऐसे ऐसे बात को दे दे कर ना छोटी छोटी चीज को उदाहरण, जैसे साधारण जीव के दिमाग में घुस जाए और सचमुच से सोचने लग जाए ये तो बात सही कह रहे। लोग उदाहरण को मानते हैं, बोले बात अच्छे उदाहरण दे रहे हैं, हम भी एक दिन ब्रह्म बन जाएंगे, हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। इसलिए ये शंकराचार्य ने किया कि इन्होंने आकर के जीव को उन्हें भ्रमित किया, उन्हें भ्रमित करके पहले जो सोचते थे कुछ भी नहीं सब के सब शून्य हैं, लेकिन इसको एक साधारण स्थिति में लाए, शून्यवाद से उन्होंने ब्रह्मवाद मतलब नहीं से कुछ है कर दिया है, ये कुछ है कर दिया। फिर आचार्य ने आकर के फिर उन्होंने वैष्णव धर्मों को पुनः जगत में वैष्णव धर्मों को स्थापन किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं शून्य हो गए थे, शून्यवाद नित्यांत निरीश्वर, जिसमें जीवात्मा का तत्व तो कुछ कुछ स्वीकृत होने पर भी वो धर्म बिल्कुल ही अनित्य है। उसी समय ब्राह्मण गण प्राय बौद्ध होकर के बौद्ध धर्म को अपना रहे थे और हमारे सनातन धर्म को परित्याग कर रहे थे। असाधारण शक्तिशाली शंकरावतार शंकराचार्य ने उदित होकर के वेद शास्त्र की सम्मान की स्थापना की, शून्यवाद को ब्रह्मवाद में परिणत किया। कहते उन्होंने शून्यवाद से उन्हें ब्रह्मवाद में परिणत किया। इसलिए आप देखना हमारे भारत में शंकराचार्य को खूब मानते, क्यों मानते, कहीं इसने सनातन धर्म को जगत में रखा किया, नहीं तो सबके सब बौद्ध हो जा रहे थे, सबके सब बौद्ध बन गए थे। इसलिए शंकराचार्य को हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होता है ना, शंकराचार्य आता है, बड़े बड़े कहीं सभा होता है, शंकराचार्य को बुलाते हैं। कारण क्या है, शंकराचार्य ने आकर के हमारी ये सनातन धर्म को उन्होंने बचाया, इन्होंने बचाया। इसलिए यह कार्य असाधारण था, भारतवर्ष इस महान कार्य के लिए शंकराचार्य का सदा ऋणी रहेगा। भारतवर्ष जो भारतवर्ष में थे शुद्ध वैष्णव धर्म है ना, और तो कहीं नहीं ना, इसलिए हर समय भारतवर्ष के लोग क्या करेंगे, शंकराचार्य का सदा ऋणी बन करके रहेंगे। सभी कार्य का जगत में दो प्रकार के विचार रहता है, तो इस चीज़ को याद करके आना। जब अभी जो बात सुना है ना, कल सबके सब बोलना, तुम कोशिश करना बोलने के लिए, ठीक है, सवेरे इतना पढ़ करके आना, बोलना है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसी जगत में सभी काम में जगत में दो प्रकार का विचार होता है, बोले दो तरह का क्या विचार, कुछ कार्य होता है तत्कालीन होते हैं और कुछ होता है सर्वकालीन है, ये दो तरह का। ऐसे कुछ काम होता है जो इसी समय में जरूरत है, इसी समय में अगर हठात कोई तुम्हारी स्वभाव बड़ा कोमल है, बड़ी सीधा साधा स्वभाव है, लड़ाई झगड़े का तुम्हारी स्वभाव नहीं, लेकिन अगर घर में चोर घुसा आएगा तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे, चोर आ गया डंडा लेकर के, यद्यपि तुम्हारे स्वभाव बड़े कोमल स्वभाव है, उस समय तुम्हारा उग्र स्वभाव देखना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी परम संत है, हनुमान जी संत हृदय नव सुनीत समाना, लेकिन हनुमान ने किया, बोले माता जी को चोरी करके ले आया, अभी मैं दिखाता हूँ, पूरा लंका में आग लगा दी, लंका के जला करके राग, लेकिन क्या ये हनुमान का धर्म है, नहीं। अब देखना हनुमान जी को, अब कहीं किसी मूर्ति में अगर देखोगे हर समय हनुमान जी को, अब देखना एक किसी व्यक्ति ने वो मूर्ति को देखा, हनुमान रामायण पढ़ते हुए देखे हो, शरीर में कैसे राम का दोपटा लगा करके और ग्रंथ को लेकर के कैसे रामचरितमानस को हनुमान जी कैसे पढ़ रहे हैं, अब देखे होंगे एक मूर्ति है हैं, हनुमान जी पढ़ रहे हैं, बड़ी ही सीधा सदा वैष्णव, अक्सर करके हनुमान जी के जो स्वरूप देखोगे, मजरा लेकर के रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, दिन भर प्रभु का हरिनाम करते हैं, लेकिन कभी कभी अपना रूप भी दिखा देते हैं, बोले कब, जब प्रभु की सेवा की कोई जरूरत हो। अगर घर अगर चोर घुस गया तो साधुओं को डंडा नहीं पकड़नी चाहिए, लेकिन उस समय डंडा पकड़ना पड़ता है, पकड़ना क्यों है, नहीं तो चोरी करके ले जाएगा, डंडा पकड़ना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कार्य होता है तात्कालिक, उसी समय बहुत जरूरत है,
डंडा हाथ में पकड़ने का जरूरत है। क्यों? अगर कोई आकर के भगवत संपत्ति, जिसे मंदिर है, कोई मंदिर में आकर के कोई चीज़ को चोरी करके ले जा रहे हैं, डंडा तो पकड़ना ही पड़ेगा। डंडा की भगत तो होगा ही, डंडा तो पकड़ना ही पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा ना ठाकुर जी का। लेकिन ये क्या साधु का काम है? साधु का काम तो भजन पूजा पाठ भक्ति करना, लेकिन डंडा पकड़ना पड़ रहा है। ये जो डंडा पकड़ना पड़ रहा है, ये कहते हैं ये कहने तात्कालिक उस समय में जरूरत है। लेकिन और कुछ काम होता है जो सर्वकालिक, जैसे सब समय के लिए, सब समय के लिए साधु का स्वरूप क्या है? ठाकुर का कथा कीर्तन भजन तीन दिन होकर के निष्कपट होकर के भगवान का नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, ये संतों का यही स्वभाव है। इसलिए शंकराचार्य जी का यह कार्य तात्कालिक था। उनने जो शून्यवाद को उन्होंने ब्रह्मवाद रूप में स्थापन किया, उस समय में विशेष जरूरत उसको था। नहीं होता तो ये सनातन धर्म खत्म हो जाता जगत में, जगत में ये खत्म हो जाता सनातन धर्म। उसके द्वारा अनेक सुफल का उदय हुआ, उसके द्वारा अनेक बढ़िया फल, उससे बढ़िया फल हुआ। बोले क्या हुआ है? शंकराचार्य ने जो नीम डाली, उन्होंने नीम, जैसे घर बनाते हैं ना, घर बनाने से पहले उसमें नीम डालते हैं, नीम ऊपर तो मकान बनती है ना, उन्होंने नीम डाल दी। उसी नीम के ऊपर श्री रामानंद जी आचार्य आदि आचार्यों ने विशुद्ध वैष्णव धर्म का महल गढ़ा दिया। बाद में रामानंद जी मध्व विष्णु स्वामी निम्बार के सब वैष्णव लोग आए, खैर उन्होंने शंकराचार्य जी के मतवाद बड़े जोर जबरदस्ती खंडन किया। ऐसे खंडन किया ना, उस समय में फिर ये शंकर का मत जगत में फैल गया। ये मायावाद ब्रह्मवाद, जो जो साधु होता है ना, सिंदूर का बिंदु लगाते हैं, लाल का बड़ा त्रिदंडी लेकर घूमते हैं, आप देखना, कहते ये शंकराचार्य जी के फिलोसफर है, जो कि कहते हम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, हैं कहते। इसलिए कहते इन्होंने फिर उसी नीम के ऊपर में उसी को ही आधार करते हुए ये आचार्य ने आए, फिर उसके ऊपर में सुंदर वैष्णव धर्म का मेल खड़ किया। जैसे हम लोग गले में कंठी माला तिलक, ठाकुर का सेवा, ठाकुर का नाम, ठाकुर की भक्ति, हम प्रभु के भजन में हम डूबे रहते हैं। अगर वो हमारे वैष्णव लोगों ने फिर आकर के ये चीज़ को खड़ी की। अतएव शंकरावतार वैष्णव धर्म के परम बंधु और एक प्राग उदित आचार्य, जो शंकराचार्य हैं हमारे परम बंधु हैं, हमारे वैष्णव का परम बंधु। इसलिए उनको क्या बताया? वैष्णव नाम यथा संभो, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कौन है? संभो, श्री भोले बाबा की जय। इसलिए एक प्राग उदित आचार्य, इसलिए उन्होंने एक पहले जो उदित हुए एक आचार्य हैं, ये एक विशेष हमारी वैष्णव धर्म में एक विशेष आचार्य बने श्री शंकराचार्य जी। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हरे कृष्ण दावनाला सम संसार दहनी दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा बारी कृपा बारी दानी बंदि से गुरु चरण कमला नृत्य गीत बाज श्री हरि कीर्तनी रहे नमगन महामत मनि रोमांच संपासु हय गौर प्रेम बंद से गुरु शरण कमल सदार विग्रह सेवनी सिंगराजिया मंदिर मार्जनी रति संवर्धन
सर्वदा श्री हरि श्री हरि स्वरूप भक्त गण भावे तेजन रूप किंतु प्रभु प्रियतम रूप वंदते गुरु शरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा भाई जर प्रसाद
Yeah.
Oh,
Yeah.
चंपे पड़े प्रवाह वृंदे बंधु के बंधु ज्योति देव वास वृंदे नमस्ते चरणार विंदन मोबाइल में निकाल मोबाइल में Now
श्री राधा गोपीनाथ गोविंद राम मोहन।